अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी सरगर्मियां तेज होता जा रही हैं। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। दोनों ही पार्टियों के सियासी दिग्गज इसके लिए गुजरात में कैंप कर रहे हैं, मगर अब तक न तो बीजेपी और न ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। चुनाव में महीने भर से भी कम समय शेष रह गया है। 9 दिसंबर को पहले चरण के होने वाले मतदान के लिए आज से यानी 14 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, मगर उम्मीदवारों के नाम का अब तक पता नहीं है। पहले चरण में राज्य की 89 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। पहले चरण के लिए नामांकन शुरू होने के दिन तक न तो सत्ताधारी बीजेपी और न ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस ने बीते शुक्रवार को देर रात तक लंबी चली बैठक के बाद अपने 70 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, मगर उनकी अभी घोषणा नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस हफ्ते नाम तय करने के लिए गठित की गई दोनों स्क्रीनिंग कमेटियों से विमर्श के बाद फाइनल किए गए नामों की औपचारिक घोषणा करेंगे। अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस ने ऐलान किया था कि वो अपने सभी मौजूदा 43 विधायकों को वफादारी का इनाम देगी। इससे माना जा रहा है कि चुनाव में 43 सीटों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर फैसला हो चुका है। माना जा रहा है कि एक दो दिन में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देंगी, लेकिन तब तक इसे लेकर कयासों और अफवाहों का बाजार गर्म है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 9 और 14 दिसंबर को दो चरणों में मतदान होने हैं, जबकि वोटों की गिनती 18 दिसंबर को होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।